मैं संसद में बार बार कांग्रेस के मित्रों को पूछता था कि भाई आप तो जवाहरलाल जी आपके नेता थे, मैंने ढेर सारी कश्मीर के विशेषज्ञों को पूछा है, सब धारा 370 के बाद की ही बात करते, मुझे कोई जरा बता दे, कोई बता दे कि जब अपनी सेना जीत रही थी हमने युद्ध विराम क्यों किया, क्या जरूरत थी युद्ध विराम करने की, और अगर न करते तो क्या होता, न करते तो ये होता कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न हिस्सा होता और पाक ऑक्युपाई कश्मीर का कोई अस्तित्व नहीं। मगर इस बात को कभी भी देश के अंदर चर्चा में नहीं लाया गया कि असमय कसमय युद्ध विराम क्यों किया गया, क्या मजबूरी थी। मगर युद्ध विराम हुआ, वास्तविकता बनी, और कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि एक देश के अंदर दो प्रधानमंत्री हो। और भारतीय जनसंघ ने उस वक्त इसका विरोध करने की शुरुआत की है। हम तो नई नई पार्टी थे, बने बने थे, हमारी स्वीकृति भी नहीं आई थी, मगर हमने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि स्थिति को हम स्वीकार नहीं करते हैं, ना भारत की जनता ने इसको स्वीकार करना चाहिए, इसका पूर्ण जोर विरोध करना चाहिए। आज जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारा राजनीतिक स्टैंड है, मैं इनको स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये हमारा स्टैंड तब से है जब से मेरी पार्टी बनी है, ये हमारा राजनीतिक स्टैंड नहीं है, ये हमारी मान्यता है। हम मानते हैं कि धारा 370 जब थी तब देश के लिए, देश की एकता के लिए ठीक नहीं थी।